गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बधाने जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 8 मां विषय संस्कृत नो अभ्यास करीशुं। गया तास मां आपणे काव्य छ विनोद पद्धानी नी शरूआत करी हती। विनोद पद्धानी एटले के रमूज उपजावनारा श्लोको, एनी अंदर आपणे 3 श्लोक जोया हता। जेनी अंदर पहला श्लोक मां जमाई उपर कटाक्ष रजू करवामां आव्यो छे। जमाई ने 10मो ग्रह तरीके ओळखावामां आव्यो छे। ज्यारे बीजा श्लोकनी अंदर रूपिया पैसा ने महत्व आपवामां आव्यु छे के जो व्यक्ति पासे पैसा नहीं होय तो तेनी कोई किंमत रहती नथी, ते बजार मां जाय तो पण खाली हाथे पाछो आवे छे। त्रीजा श्लोकनी अंदर व्यक्तिनी प्रसिद्धि उपर कटाक्ष करवामां आव्यो छे के आजनो मनुष्य केवो छे, तो के पोते प्रसिद्ध थवा माटे पोते घड़ो पण फोड़वा तैयार छे, कपड़ा ने फाड़वा पण तैयार छे, अने कहेवामां आवे तो गधेड़ा उपर सवारी करवा पण ते तैयार थई जाय छे। कोई पण रीते ते पोते प्रसिद्ध थवा इच्छे छे। त्यारबाद आपणे आजे चौथा श्लोक 4, 5 अने 6 नो अभ्यास करीशुं। उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गन्धर्वाः, परस्परं प्रसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। विद्यार्थी मित्रों, अहीं उष्ट्राणां एटले के ऊंटना, विवाहेषु एटले के लग्नमां, गंधर्वाः एटले के गधेड़ाओ, गीतम एटले के गीत, गायन्ति एटले के गाय छे, परस्परम एटले के एक बीजाना अंदरो अंदर, प्रससंती एटले के वखाण करे छे, अहो एटले के ओहो वा, रूपम एटले के रूप, ध्वनि एटले के अवाज। હવે આપણે તેનું ભાષાંતર જોઈશું। ઉષ્ટ્રનામ એટલે કે ગધેડા, હી એટલે કે ખરેખર, વિવાહેશુ એટલે કે લગ્નમાં, ગીતમ એટલે કે ગીત, ગાયંતી ગંધર્ભા, ગાયંતી એટલે કે ગાવું અને ગંધર્ભા એટલે કે ગધેડા, ઊંટના લગ્નમાં ગધેડાઓ ગીત ગાય છે। परस्परम प्रससंती अहो रूपम, परस्परम एटले के एक बीजाना अंदरो अंदर, प्रससंती एटले के वखाण करे छे, अहो रूपम, अहो एटले के वा, रूपम एटले के रूप, अहो ध्वनि के वा, अरे रे सुंदर अवाज छे एम। ए रीते આખા શ્લોકનું ભાષાંતર થશે, ઊંટના લગ્નમાં ગધેડાઓ ગીત ગાય છે, એકબીજાના વખાણ કરે છે, વાહ શું રૂપ છે, શું અવાજ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શ્લોકની અંદર ઊંટો સાથે ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને બેસુરો અવાજ ધરાવતા ગધેડાઓ એટલે કે ખુશામતખોરો હંમેશા એકબીજાના વખાણ કરતા રહે છે, અને આ વાત ઉપર અહીં કટાક્ષ કરવામાં આવેલ છે કે આજના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઊંટ જેવા જ હોય છે, તો અહીં તેનો કટાક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ 5મો શ્લોક છે, कन्या वरयते रूपम माता वितम पिता सुतम, बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः। હવે આપણે તેના શબ્દાર્થ જોઈશું। કન્યાઃ એટલે કે કન્યા, વરયતે એટલે કે પસંદ કરે છે, રૂપમ એટલે કે રૂપને, માતા એટલે કે માતા, વિતમ એટલે કે ધન,
श्रुतम एटले के ज्ञान विद्या, बांधवा एटले के भाईयो सगा वाला, कुलम एटले के कुळने, इच्छंती एटले के इच्छे छे, इतरे एटले के बाकीना बीजा, जनाहा एटले के माणसो लोको, मिष्टानम एटले के मिष्टान ने। हवे आपणे तेनु भाषांतर जोईशुं। अही कन्या एटले के जे पोते विवाह लायक थयेली स्त्री छोकरी, वरयते एटले के पसंद करे छे रूपम, एटले के कन्या हमेशा वरराजा केवा पसंद करे छे के रूप ने पसंद करे छे। माता वीतम, वीतम एटले के धन, माता धन ने, अने पिता श्रुतम, श्रुतम एटले के ज्ञान विद्या संस्कारी, तो के माता पोते धनवान अने पिता ज्ञानी संस्कारी ने भणतर ने पसंद करे छे। बांधवाहा एटले के भाईओ सगावाला, कुलम इच्छंती, कुलम इच्छंती एटले के कुळने महत्व आपे छे के कुळने पसंद करे छे, कुळने जुवे छे। पण मिष्टांतरे जनाहा, जनाहा एटले के लोको, बाकीना जे लोको छे ते मिष्टान ने इच्छे छे। आखा श्लोक नो भाषांतर थसे, कन्या रूप ने पसंद करे छे, माता धन अने पिता भणतर पसंद करे छे, सगावाला कुळने अने बीजा माणसो मिष्टान ज इच्छे छे। विद्यार्थी मित्रो, अही कन्या पोते, कन्या माटे विवाह योग्य वर शोधवानो होई छे त्यारे कन्या अने घरना सभ्यो तेना भावी जीवन साथी मां सुसु जोवा इच्छे छे ते अही रजू करवामां आवेल छे। अही जणावामां आव्यु छे के कन्या रूपवान वर इच्छे छे, कन्यानी मां तेनो जमाई धनवान होय तेवी इच्छा राखे छे, ज्यारे तेना पिता होय छे ते पोते पोताना जमाई के जे संस्कारी विद्यावान अने ज्ञानी होय तेवू इच्छे छे, अने बाकीना जे भाईयो होय छे सगावाला होय छे ते पोते कुळने जोवे छे के विवाह योग्य कुळ छे के नहीं, ज्यारे बाकीना जे माणसो छे तो फक्त जमवा माटे ज आवता होय छे। तो अही तेनो कटाक्ष रजू करवामां आव्यो छे। त्यारबाद छठो श्लोक छे, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। અહીં તેના ગુજરાતી અર્થ જોઈશું, યમરાજ સહોદર એટલે કે હે યમરાજના સગા ભાઈ, વૈદ્યરાજ એટલે કે વૈદ્યરાજ ડોક્ટર, તુભ્યમ એટલે કે તને, નમઃ એટલે કે નમસ્કાર, યમસ્તુ એટલે કે યમ તો, પ્રાણાન એટલે કે પ્રાણોને, હરતિ એટલે કે હરે છે, વૈદ્યઃ એટલે કે વૈદ, ચ એટલે કે અને, અને ધનાની એટલે કે ધન। હવે આપણે તેનું ગુજરાતી જોઈશું, વૈદ્યરાજ નમસ્તુભ્યમ યમરાજ સહોદર, વૈદ્યરાજ એટલે કે વૈદ્યરાજ ડોક્ટર, યમરાજ સહોદર એટલે કે યમરાજના સગા ભાઈ, અને નમસ્તુભ્યમ, નમઃ એટલે કે નમસ્કાર। અહી આખી લીટીનું ભાષાંતર થશે, હે યમરાજના સગા ભાઈ વેદરાજ, તમને નમસ્કાર। ત્યારબાદ યમ તો પ્રાણોને હરે છે, કે જે યમરાજા હોય છે તે પોતે પ્રાણને લઈ લે છે, પરંતુ વૈદ તો પ્રાણાન ધનાની ચ, કે પ્રાણને પણ લે છે અને ધન પણ હરી લે છે। આખા શ્લોકનું ભાષાંતર થશે,
हे यमराजना सगा भाई वेदराज तने नमस्कार। यम तो प्राणों ने हरे छे, वैद तो प्राण अने धन बन्ने ने हरी ले छे। अही डॉक्टर के जे आपड़ी इलाज करे छे तेना उपर कटाक्ष रजू करवामां आव्युं छे। अही कह्युं छे के डॉक्टर यमराजना सगा भाई ज कहेवामां आवे छे, के यमराज जेम लोकोना प्राणों ने लई ले छे तेम डॉक्टर पण लोकोना प्राणों तो लई ले छे, साथे साथे सारवारना खर्च रूपे ते लोकोनी धन संपत्ति पण लई ले छे। आ रीते डॉक्टर पर कटाक्ष रजू करवामां आव्यो छे। अहीं आपणुं आ काव्य पूर्ण थाय छे। जय स्वामीनारायण।